रहा था पुलिस वाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, मैं आप सबका स्वागत है। तो आ चुके हैं फाइनली एक नए ब्लॉग में। तो आप सब आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, काफ़ी मस्त होंगे, काफ़ी खुश होंगे। तो फाइनली गाइस, अभी तो अपने छत पर हूँ, तो देख सकते हैं आप मेरे छत की व्यू। तो यहाँ पर काफ़ी मौसम भी अच्छे की हुए हैं, सुबह तो बारिश हो रही थी। तो हमने सोचा कि अभी जाने वाले हैं क्योंकि मरीन ड्राइव के साथ, तो आप सबको वहाँ पर लेके चलते हैं, वहाँ का सीन वगैरह दिखाते हैं कि क्या वहाँ पे अभी पानी का है लेवल। वहाँ पे हमसे काफ़ी दिनों के घूमने का मन कर रहा था, इस कारण आप सभी को लेकर चलते हैं। तो वीडियो बने रहे, तो अपने भाई के चैनल पर नया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए यहाँ बच्चे लोग स्केटिंग सीख रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। अरे रे रे। चलो ठीक है, फाइनली यहाँ पे बच्चे लोग देख सकते हैं आप, तो काफ़ी इंजॉय ले रहे थे। देखिए यहाँ पे अभी से काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे शांति वगैरह काफ़ी देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए पहली बार हम यहाँ पे शांति देख रहे थे, इस साइड से भी गाड़ी आप तो यानी आता जाता रहता था। यहाँ पे देखना बड़ा सीप है, ये काफ़ी बड़ा है। और गंगा का यहाँ पर पानी देखिए काफ़ी ऊपर आ चुका है गाइस। देखिए दूसरे बच्चे यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कैसे कर रहे हैं, क्या बोलूँ, सीखेगा क्या? आप वो आगे से घूम के बस करते रहो। चलो भी एंजॉयमेंट कर रहे थे, तो हमने भी अपना ब्लॉग में बुला कर अपने भाई को दिखाया कि ऐसे हम कर रहे हैं। तो और देखना बाकी है, तो वीडियो बने रहे हैं। छोटा मोटा क्लिप था, ज्यादा यहाँ पे भीड़ देखने के लिए मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से जानते पानी काफी ऊपर है, देख लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ पे ऊपर जाने वाले उस पुल के ऊपर जाने वाले हैं, तो वीडियो बने रहे। तो यहाँ पे भी पहले गंगा माता का दर्शन करा देते हैं फाइनली। फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कलश है और यहाँ पे नाव वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पे फाइनली आप ही सब आके यहाँ पे बोटिंग वगैरह का मज़ा आनंद ले सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे मतलब पानी का लेवल गाइस हमें देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी कम हो चुका है फाइनली, आप सब देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ तक तो पानी फाइनली थोड़ा बहुत रहता ही रहता है, लेकिन बट हाँ गाइस यहाँ तक ला नहीं, इसके आगे तक पानी रहता है, तो यहाँ पे भर चुका था फाइनली। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, फुचका वगैरह आइसक्रीम वगैरह का। तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी घोड़ा वगैरह जिसका जो आनंद ले सकते हैं वहाँ पे फाइनली आई नहीं भी आप देख सकते हैं आप सभी। फाइनली गाइस यही है मरीन ड्राइव का लोकेशन और यहाँ का व्यू आप सब देख सकते हैं। दो दिन पहले गाइस कम यहाँ पर हुआ, तो हम भी सोचे कि आते हैं मरीन ड्राइव घूम फिर, मतलब आप सभी को भी देखते ही पानी है। तो हम सब अभी फाइनली पुल के ऊपर चलते हैं, तो आप सब अपने भाई के वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे देखिए ऊँट वगैरह का भी मज़ा ले सकते हैं आप सब काफ़ी अच्छे तरीके से। तो भाई अपने ऊँट पे सफ़र कर रहे हैं, देखिए फाइनली भाई ने भी यहाँ पर ऊँट पे सफ़र कर रहे थे। तो आप भी सब आइए यहाँ पर ऊँट पे सफ़र करिए और घोड़े वगैरह का भी है। तो ये देखिए चूतिया साला का काका बोलते रहता है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। तो चलिए हमसे चढ़ते हैं ये पुल के ऊपर। तो फाइनली गाइस हम तो पुल के ऊपर आ चुके हैं, तो काफी इसको डर लग रहा है ऊपर से आने में। देखिए कैसा नजारा है पुल के ऊपर और इस साइड से नजारा कैसा है, और ये रहा गोलू और उस साइड से जा रहा है नीचे, देखिए रोड है। तो फाइनली हम ऊपर है गाइस, डर तो काफी लग रहा है। देखिए ये रहा गोलंबर का नजारा, फाइनली गाइस देखिए क्या व्यू यहाँ का आप देख सकते हैं मेरे वीडियो की मदद से। तो हम गोलू ही पर हैं फाइनली, यही दो पुलिस वाले और ये रहा अपना गोलंबर
और जो इस रूट से हम सब अभी आए थे यहाँ पे दीघा उतर के इस रूट से, तो यहाँ पे तो ऊपर है पुल के ऊपर और नीचे का भी व्यू आप सभी को दिखाए इस साइड का, तो अभी आप सबको दिखाते हैं आए की ओर। चलिए तो वीडियो बने रहना। हम सब कभी ये सोचे नहीं थे कि हम सब के साथ भी ऐसा हो सकता है या नहीं, तो हम सब के साथ अभी जो हुआ है आप सबको बताएंगे, तो अभी काश आप सबको पता चलेगा या नहीं, लेकिन गाइस आज आप सबको हम वीडियो के माध्यम से आप सबको आराम से बताना चाहते हैं, लेकिन बट मेरा बात गौर से सुनिएगा। अभी भी मरीन ड्राइव पे आइएगा तो जो ऊपर वाला जो रहती है रेलवे लाइन, जो रेल का जो चलता है ना गाड़ी ये ट्रेन, रेलवे लाइन पे कभी मत जाइएगा, नहीं तो मेरे जैसा हालत आपको भी हो सकता है। इसी चलते हम बताना चाहते थे कि हमने वहाँ पे जा हम सब गए थे आप सभी को वीडियो को दिखाने कि कहाँ तक ला, मतलब कि किस तरीके का यहाँ पे लेवल है पानी वगैरह का, मेरे ब्लॉग की मदद से आप सभी को दिखाना चाहते थे, लेकिन बट यहाँ पे हम सब के साथ हो चुका था काफ़ी बड़ा गंदा सीन हो चुका था गाइस, आप सबको क्या ही बताया। तो वहाँ पे दो पुलिस वाले बैठे हुए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे चलने के लिए मना है, लेकिन बट भी हम सब वहाँ से आधे ही रास्ते से, मतलब कि आधा भी नहीं गए थे गाइस, आप सबको वीडियो में हम दिखाते हैं, आप सब देख लीजिए। देखिए ये है, यहाँ तक ही हम सब थे, यहाँ तक कि शायद इस टाइप ये दूसरा वाला पिलर तक ना थे गोलू, यहीं पे थे और यहाँ से हम सब आप सभी को लिए वीडियो दिखाना चाहते थे, वो वाला मेरे पास क्लिप भी है, आप सभी वीडियो में बने रहें, तो यही आप सभी क्लिप दिखा रहे। तो यहाँ पे हम सब फाइनली थे, हम गोलू वहाँ पे थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग वगैरह करने लगे थे ब्लॉगिंग के लिए। तो फाइनली ये क्या होता है मेरे साथ गंदा सीन कि वहाँ पे दो पुलिस वाले बैठे रहते हैं, वहाँ पे अचानक से उठ के मेरे को बुलाते हैं और फाइनली उठाकर हाथ धर के डायरेक्ट बोलते कि तुम यहाँ पे किस लिए करने क्या करने आए। तो हमने बोला मेरा कुछ गलती नहीं था गाइस, पहले मेरा बात सुन लीजिएगा, हम दोनों का कुछ गलती वहाँ पे नहीं था, तो हम सब वहाँ पे खड़े थे आराम से आप तो वीडियो वगैरह करके दिखा रहे थे और फोटो वगैरह थोड़ा बहुत क्लिक कर रहे थे, एक दो ही फोटो शायद क्लिक किए थे उससे ज़्यादा नहीं, तो वहाँ पे फोटो वगैरह हम क्लिक कर रहे थे, तो वहाँ पे उठाकर हम सब डायरेक्ट बोलता है कि चलो तुम थाना चलो, तो वहाँ पे थाना ले जाकर बोल रहा था कि थाना ले जाएंगे तो तुम सबको 5,000-5,000 रुपये पर आदमी पर लेंगे, लेकिन बहुत वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे बट फिर भी नहीं माना। यहाँ पे हम सब बोले भी थे, यही वो वीडियो है गाइस, आप सब देख लीजिए कैसे है, क्या हम गलती की, हम सब स्टूडेंट है फिर भी यहाँ पे इन लोगों ने बात को इग्नोर किया गया है यहाँ पे गाइस। लेकिन आप भी सब कभी भी ये कभी रेलवे लाइन पर नहीं आइए, हमें तो काफ़ी पता नहीं था कि चलना मना है या नहीं, लेकिन अभी दो लड़के को देखे हैं लेकिन उस सबको नहीं कुछ किया। यहाँ पे जो अनजान रहते हैं जैसे कि हम अनजान नहीं गाइस, लेकिन बट यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद आए थे, इसी कारण मेरे साथ रुक चुका था ये। तो हम सब फाइनली यही आप सबको बात बताना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे बोल रहा था कि चलो तुम सबको थाना लेके चलते हैं, वहाँ पे हम सब काफ़ी अच्छे पुलिस वाले को काफ़ी रिस्पांस देते थे, मतलब कि गर्व करते सैल्यूट कर देते हैं कि काफ़ी यहाँ का पटना पुलिस भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ का पटना पुलिस और दीघा पुलिस वाला जो है दीघा थाना वो सब क्या ही आप सबको बताएं। तो देखिए ये रहा गोलू, गोलू का तो क्या ही बताएं गाइस, काफ़ी रिक्वेस्ट किए बट कैसे कैसे हम सब इसका बात बताएंगे। गोलू वहाँ पे 300 रखे हुए था, गोलू दिया और फाइनली हम अपने मतलब कि अपना अकाउंट से नहीं दे पाए, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों के साथ अगर आप सब पैसा निकालिएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आप सब जितना निकालिएगा वो सब मतलब कि रख लेगा, मतलब कि एक भी उसमें से आपको पैसा नहीं देगा। हम सब कितना रिक्वेस्ट किए बट ये मतलब कि बात ही नहीं मेरा मान रहा था पुलिस वाला। गुड मॉर्निंग, तो आप सब ऐसा करते हैं अच्छे होंगे, तो अभी मॉर्निंग के टाइम पे तो वो वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे जो था हम सब आप सबको क्लियरली मतलब क्लियर नहीं बता पाए थे कि क्या वहाँ पे मतलब कि दिक्कत है क्या नहीं, तो फाइनली एक क्लियर बताना चाहते हैं क्योंकि हम सब गलती कहाँ पर था हम सबको, ऐसे कि वहाँ पे हम सब पटरी पर शायद चल गए थे ना, उसी के चलते पुलिस वाले ने हम सबको बुलाया, तो हम सब तो काफ़ी सैल्यूट करते थे पुलिस वालों को, कुछ मेरे साथ बाय द वे कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो पुलिस वाला वहाँ पर बुलाया तो हम सब ने आराम से गया, तो वहाँ पर डायरेक्ट आने के बाद वहाँ पहुँचने के बाद पुलिस वाला बुलाया तो डायरेक्ट बोल रहा है कि क्या कर रहा था, तो हमने बोला कि सर हम ब्लॉगिंग करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा वीडियो वगैरह शूट करने आ चुके थे, बोला कि यहाँ पे आना मतलब कि वो बताया भी नहीं कि यहाँ पे आना अलाउड है या नहीं, तो हम सबको पता भी नहीं था, और वहाँ पे
जाना है अलाउड। अगर एक बार से वार्निंग देकर किसी को छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे हम एक बार से वार्निंग देकर किसी को छोड़ दिया जाता है। आप सबको सजेस्ट करना चाहते हैं जितने भी दानापुर के एरिया से हैं और पटना के एरिया से, लेकिन कहूँ पे के भी मतलब किसी भी एरिया से हैं तो वहाँ पर जाइएगा मरीन ड्राइव, तो आप भी सब ये गलती नहीं कर बैठिएगा, क्योंकि रेलवे लाइन पर नहीं करिएगा क्योंकि वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है गाइस। इसी के चलते गाइस कुछ तरह का बोर्ड लगा देना चाहिए था सूचना कर कि यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, तो यहाँ हर एक बंदे समझ जाते कि यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, लेकिन बट वहाँ पे बोर्ड वगैरह का भी कुछ यहाँ पे दिखाया नहीं जाता, नहीं तो आप लोग भी दिखाते हैं तो वो मतलब कि पैसा दे के छोड़ भी मतलब कि वार्निंग दे के छोड़ भी सकता था, लेकिन वो मतलब पैसा लिया हम सब से, तो हम सब ने किसी तरह से वहाँ पे एडजस्ट मतलब किसी भी तरह से वहाँ पे पैसा उसको दिलाया और बोल रहा था कि मैं अपना पब्लिक नंबर मतलब कि अपना नंबर नहीं दे सकता, तो किसी का स्कैनर दिया था उस पर हम सब पैसा उसको डालें, उसके बाद हम यहाँ पे मतलब कि आप सबके साथ आप सबके सामने हैं। नहीं तो वो डायरेक्ट एक दूसरे पुलिस वाला बोल रहा था कि चलो डायरेक्ट इसको थाना ले कर, तो वहाँ पर गाइस थाना जाने के बाद आप सबको पता होगा क्या होता है। तो इसी का चलते हम सब ने किसी तरह से वहाँ पर उपाय किया और पैसा वगैरह का वहाँ से हम सब निकल चले, लेकिन कुछ भी गाइस आप भी सब जाइएगा तो वहाँ पे एक्टिव रहिएगा और इस वीडियो को जितना से जितना दबा के शेयर करिएगा यार, शेयर करिएगा तो हर एक मतलब कि स्टूडेंट और किसी तरह का भी आदमी रहेगा तो उसको भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे जाने का अलाउड नहीं है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपने भाई के चैनल पर नया हुआ तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो वीडियो को दबा के शेयर करिए ताकि हर एक बंदे को पता चले कि वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है और वहाँ पे पुलिस वाला अगर धर लेगा तो कभी भी वहाँ पे दिन हुए छोड़ेगा नहीं। यही आप सबको बात बताना चाहता हूँ, वीडियो को दबा के शेयर करिए। फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।